एक तरफ रूस, यूक्रेन और उसके पीछे खड़े अमेरिका सहित अन्य नेटो सहयोगियों को जवाब देने के लिए एक से बढ़कर एक हथियार तैयार कर रहा है। हाल ही में रूस ने अपने पनडुब्बी बेड़े यानी सबमरीन फ्लीट में एक बेहतरीन मिसाइल को भी शामिल कर लिया है। इससे रूस की परमाणु हमले की क्षमता और मजबूत हो गई है। दूसरी तरफ यूक्रेन को उसके सहयोगियों से हथियार मिलने में देरी होने से काफी हद तक युद्ध उसके हाथ से निकलता दिख रहा है। जहां रूस यूक्रेन ही नहीं बल्कि उसके सहयोगियों को भी टक्कर देने के लिए इतने बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है, वहीं खबर आ रही है कि यूक्रेन को मिलने वाले F-16 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में काफी देरी हो सकती है। रूस यूक्रेन के खार्कीव में ताबड़तोड़ सैन्य अभियान चला रहा है और यूक्रेन को हथियार मिलने में देरी है। ऐसे में यूक्रेन की युद्ध में स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है और इस स्थिति से उभरने की उम्मीद भी टूटती जा रही है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ दो दिनों में रूस ने यूक्रेन के 47 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। ये रूसी कब्जा रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सीमा घुसपैठ है। जब रूस को जवाब देने का समय है, ऐसे वक्त में यूक्रेनी पायलट डेनमार्क, नीदरलैंड, नॉर्वे और अन्य पश्चिमी सहयोगियों से सैन्य हथियार मिलने की उम्मीद में अमेरिका निर्मित जेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन को अगले महीने के भीतर डेनमार्क से F-16 की पहली खेप मिलने की उम्मीद है। इससे पहले उन्होंने मंगलवार को अपनी टिप्पणी में संशोधन करते हुए कहा कि अगले कुछ महीनों में जेट मिलने की उम्मीद है। हालांकि विशेषज्ञों ने मंगलवार को न्यूज़वीक को दी गई अपनी टिप्पणियों में सुझाव दिया कि हवा से रूसी सेनाओं का मुकाबला करने के लिए F-16 पर भरोसा करना एक रणनीतिक भूल हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेनी सेना के लिए जल्द से जल्द ऐसे विमान पाने पर ध्यान देना चाहिए जिस विमान को चलाने में उन्हें पहले से महारत हासिल हो। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में राजनीति विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष विलियम रेनो ने कहा कि जेट की डिलीवरी जरूरी वक्त पर होने की संभावना नहीं है। रेनो के मुताबिक सही समय पर हथियार मिलना सबसे प्रभावी होता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे यूक्रेन को 2022 के जवाबी हमले के बाद पश्चिम से टैंक मिले थे, वो जरूरत के वक्त सही समय पर मिले थे। हालांकि जब यूक्रेन को टैंक मिले तब तक रूस ने ड्रोन हमले शुरू कर दिए, इससे टैंकों की उपयोगिता बहुत ज्यादा नहीं रही। उनके मुताबिक F-16 के मामले में भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसमें हो रही देरी और इससे जुड़ी ट्रेनिंग प्रक्रिया ने रूसी सेनाओं को हवाई सुरक्षा को अपने हिसाब से मोड़ने का समय दे दिया है। एक सैन्य समाचार के प्रबंध संपादक गाई मैकलॉड्स ने भी ऐसी ही टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन मिग विमानों के साथ ही अपने अभियानों और रक्षात्मक उपायों को बढ़ावा दे और इसे उन्होंने बेहतर रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा हथियार वही है जो वर्तमान में आपके पास हो। यूक्रेन को अभी तक F-16 विमान मिले नहीं हैं और रूस ने वादा कर दिया है कि जब भी यूक्रेन को ये विमान मिलेंगे तो वो उसे परमाणु खतरे के रूप में मानेगा। रूसी विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते ही चेतावनी दी थी कि F-16 विमानों को उद्देश्यपूर्ण या जानबूझकर उकसावे वाला कदम माना जाएगा।